सारा तुम बस जल्दी से अपने आप को सेट करो, निकलो ये इधर उधर के झंझटों से। का नहीं कहेंगे? आओ। कैसे हो? ठीक हूँ। और घर में सब कैसे? वो भी ठीक है, मिस करते हैं आपको। मैं भी उनको मिस करती हूँ, जल्दी आऊंगी मिलने। अब आओ ना। हेलो। वैसे तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? पता ढूंढना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। जानती हूँ, जासूसी में खासे माहिर हो तुम। खैर ये बताओ कैसे आना हुआ, और बताया भी नहीं। मैं यहाँ कुछ कहने सुनने नहीं आया, आपको लेने आया हूँ। आप जल्दी से अपना सामान पैक करें और चले मेरे साथ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे साथ उस जगह पर जाएगी जिसे तुम घर कहते हो? वो सिर्फ एक टॉर्चर सेल है। वो टॉर्चर सेल जैसा भी है, सारा महफूज है वहाँ। इन्हें मेरे साथ वहाँ चलना ही होगा। जबरदस्ती है क्या? आप बीच में मत बोलें, ये मेरा और सारा का मामला है। यार क्या हो गया है तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो? प्लीज चुप कर जाओ। प्लीज सारा, तुम अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को बता क्यों नहीं दी थी कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं जाओगी? सारा समझने की कोशिश करें, अम्मा अब्बा को फिक्र है आपकी। दो रातों से वो दोनों सोए नहीं, आपके खातिर बहुत परेशान है। तुम्हारे अम्मा अब्बा को सारा की नहीं बल्कि सारा की दौलत की फिक्र है। जाहिर सी बात है, जो सारा के यहाँ आने पे उनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रही है। अब तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ और उन्हें कहो कि ख्वाब देखना छोड़ दें। लोगों को दौलत के तनाजुर में आप देखती होंगी, मैं नहीं। बेहतर होगा कि आप हमारे मामले से दूर रहें, वरना बदलिहाजी करने में मुझे भी कोई मुश्किल नहीं होगी आपकी तरह। मेरी मानो तो अपनी इस टिपिकल सोच को लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी दाल निकलने वाली। प्लीज बस कर दो, चुप कर जाओ तुम दोनों। जिसे आप टिपिकल सोच कह रही है ना, वो शराफत है, गैरत है, एहसास है, मोहब्बत है। आपकी सोच टिपिकल है। जो रास्ता आप और आपका धोखेबाज कजन दिखा रहे हैं ना, वो जिल्लत और रुसवाई का रास्ता है। इस रास्ते पर मत चलें सारा, ये दोनों मिलकर आपको वर्गला रहे हैं, बहका रहे हैं, नुकसान उठाएंगी आप। आप फरहान को ठीक से नहीं जानती, उसकी रेपो अच्छी नहीं है। फिलहाल तुम यहां से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। आपको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए भाई, जब वो जाना नहीं चाहती तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। ये तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी है, और मैं इसे तुम्हारे साथ इसकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊं। जिसे बुलाना है बुलाओ, मुझे यहाँ से सारा को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। सारा, ये लड़की आपको वर्गला रही है, इसकी बातों में हरगिज मत आए। मेरे साथ चले समझती क्यों नहीं है आप? What nonsense! सारा मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गुलाम बीवी बना के रखना चाहता है। इसे डर है कि तुम हाथ से ना निकल जाओ। अब तुम देखो ना, तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा अपार्टमेंट है, तो ये तो इनसिक्योर तो होगा ना। आपने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं सारा, अब बस कर दें। इतनी बड़ी ठोकर खाकर भी आपको अकल नहीं आई है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, सबक हासिल करता है, लेकिन आपको अब भी लोगों की पहचान नहीं हो रही है। पहले आपने रूमी से धोखा खाया, और अब आप इन लोगों की बातों में आकर अपनी इज्जत दांव पर लगा रही हैं। अपनी गलती तो सुधार रही हूँ, अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से सही, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब सारी जिंदगी इन मसलों को लेकर बैठी रहूंगी क्या? मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने पांव पे दोबारा खड़े होने की। जो इज्जत और मुकाम मैंने खोया, उसे हासिल करने की कोशिश मुझे करने दो ज़हीन। मैं बाबा को दिखाना चाहती हूँ कि उनकी मदद के बगैर भी मैं कुछ बन सकती हूँ। ठीक है, अगर पैसा ही सब कुछ है तो बनाए अपना नाम, मगर फिर ठोकरें खाकर मेरे घर वापस मत आइएगा, क्योंकि आज के बाद आपको मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मिलेंगे, समझी आप?
सारा, तुम्हें पता है ना कितना इनसिक्योर इंसान है, इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल मत आना। देखो तुम इतनी तरक्की कर रही हो, इतना आगे बढ़ रही हो, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा रिलैक्स हो जाओ। सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।